हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग कलर पेंसिल सीखेंगे। आई एम मौसम भारद्वाज एंड आई एम एन आर्टिस्ट। आप लोगों को पता होगा कि मैं इस चैनल पे ड्राइंग और पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आप लोग पेंटिंग सीखना चाहते हो या फिर ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, इसको मैं कलर पेंसिल से बना रहा हूँ। ये है तराली शर्मा मैम, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, असमी सिंगर। तो आसाम से, मैं भी आसाम से ही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसका फेस बनाया हुआ है। तो फेस को बनाने के लिए आपको कहीं सी से पहले सीखना पड़ेगा, पहले आउटलाइन सीखना पड़ेगा, उसके बाद पेंसिल स्केच, जो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट स्केच होते हैं ना, ग्रेफाइट का या फिर सर्कल का, वो आपको सबसे पहले सीखना होगा। और जब आप लोगों से अच्छे तरीके से ग्रेफाइट या फिर सर्कल से पोर्ट्रेट बने तो उसके बाद ही आप लोग कलर ट्राई कीजिए। उसके बाद आप लोगों को सीखना है कलर व्हील और वहाँ पर कलर ग्रेडिंग और कलर मिक्सिंग। और जब आप लोग ग्रेडिंग और मिक्सिंग सीखोगे फिर आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्किन टोन बनाएं। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स बता दूं, स्किन टोन बनाने के लिए पहले आपको ब्राउन बनाना पड़ेगा, उसके बाद व्हाइट को थोड़ा सा मिलाना है, उससे स्किन टोन बनता है। अभी देखिए, ब्राउन कलर को बनाने के लिए जो प्राइमरी कलर होते हैं उनमें से रेड कलर को आपको चुनना है और थोड़ा सा उसमें से ब्लैक कलर मिक्स करना है, इससे बनेगा ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर में जब आप लोग थोड़ा सा व्हाइट मिलाओगे उसके बाद स्किन टोन बनेगा। जितना ज़्यादा व्हाइट दोगे उतना ही स्किन टोन ब्राइटनेस बनेगा, जितना कम व्हाइट दोगे उतना ही ब्लैक बनेगा। अगर जिस पर्सन को आप ड्रॉ कर रहे हो वो अगर ज़्यादा गोरे है, गोरे रंग का है, तो आप लोग व्हाइट थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। अभी देख सकते हो मेरा पोर्ट्रेट हो गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।